गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फ्री डिश में जब साउंड नहीं आए या फिर बहुत कम साउंड आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी दोनों जगह से आवाज फुल है। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ से फुल है आवाज, सेटअप बॉक्स से आवाज पूरा फुल है। उसके बाद टीवी का वॉल्यूम भी मैं दिखाता हूँ 100, ठीक है, टीवी का वॉल्यूम भी 100 है और यहाँ से भी पूरा फुल है, फिर भी आवाज बहुत कम आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे फिक्स करना है आपको, देखिए ये जो डीटीएच कार्ड है, ठीक है, इस कार्ड में ये साउंड ऐसी है, ठीक है, ज्यादातर यहीं से प्रॉब्लम होता है सबसे पहले। लेकिन आपको क्या करना है, इसको वॉश करना है, ठीक है। इसको खोल के पेट्रोल, CTC, किसी भी लिक्विड से इसको वॉश करिए, उसको अच्छे से सुखाइए। अच्छे से सूख जाने के बाद, ठीक है, फिर आप इसको लगाइए। अगर साउंड नहीं आता है तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ इस आईसी से, इस आईसी पर जाने वाला ट्रैक चेक कीजिए, ये जो इन कर रहा है उसका ट्रैक चेक करिए, और बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस सबको चेक करिए, ठीक है। अभी आप देख लीजिए कितने प्रॉपर तरीके से यहाँ लगा हुआ है, और ये मैं लगा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से लगा हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, पावर डिस्कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ से खोल के हटा लेना है, ठीक है। देखिए आवाज आ रहा है, निकालते समय थोड़ा सा आवाज ज्यादा हो रहा है, लेकिन देखिए आवाज ज्यादा होकर फिर खत्म हो जा रहा है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई फेक वीडियो, ये पूरा जेन्युइन वीडियो है, निकालते थोड़ा तेज हुआ फिर खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी पावर डिस्कनेक्ट कीजिए, सभी केबल को निकालिए, पहले आप प्लायर की सहायता से थोड़ा सा खोल लीजिए, उसके बाद आप हाथ से भी ऐसे खोल के दोनों को निकाल सकते हैं। उसके बाद एक स्क्रू यहां लगा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो वायर है, अगर आप इसका यूज करते हैं, मैंने अलग से स्पीकर जोड़ते हैं, ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप मतलब ये वाले वायर का, ठीक है, ये वाले वायर का हटा दीजिए तार को। अगर ये यूज नहीं करते हैं आप, इस तार को जोड़ना भी आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आपको अच्छे से इसको खोल लीजिए, ठीक है, इसको रिमूव कर लीजिए। देखिए ये आईसी है, साउंड आईसी, ठीक है। इस एरिया में अच्छे से वॉश करना है, ये जो सिस्टम आईसी है, मेन आईसी जो सीपीयू आईसी, इसको अच्छे से वॉश करना है, रैम को अच्छे से वॉश करना है, और ये ट्रांजिस्टर जो है, ठीक है, ये जब ये डेड हो जाता है तो ये अक्सर ये खराब होता है, 11-17 इसमें लगा होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको वॉश करके फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। किसी भी लिक्विड से आप वॉश कर सकते हैं, कोई लिक्विड अगर आपके पास नहीं है तो आप पेट्रोल का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको क्लीन कीजिए, स्पेशली यहाँ पे और साउंड आईसी के पास, कुछ केसेस में यहीं से क्लीन करने के बाद ही साउंड आपका आ जाता है, और कुछ केसेस में आपको ये जो आईसी लगी हुई है आपको वो चेंज करनी पड़ती है, साउंड आईसी, जहां पे आपको वो ब्रश ना जाए वहां पे आप दूसरे ब्रश का हेल्प लीजिए और पूरे अच्छे से पीसीबी को क्लीन कीजिए। पीसीबी अच्छे से क्लीन आपको लगने लगे तो आप इसको थोड़ा देर धूप में रख दीजिए, या फिर आपके पास हॉट गन है तो हॉट गन रख दीजिए, नहीं तो 200 वाट के बॉल जला के उसके नीचे आप इसको थोड़ी देर तक रख सकते हैं। जैसे क्लीन हो चुका है, ठीक है, पूरा जितना अच्छे तरीके से क्लीन हो सके उतने अच्छे से इसको क्लीन करने की कोशिश कीजिए। ब्लास्ट गन आता है, आप इसका भी यूज ले सकते हैं, किसी से भी आप कर लीजिए, नहीं कुछ है तो पेट्रोल तो आपके पास नहीं जाएगा आसानी से। ध्यान रहे पेट्रोल का यूज यहाँ आप कर सकते हैं, पर पीसी मोबाइल में नहीं किया करिए, मोबाइल के पीसीबी में पेट्रोल का यूज करना ठीक नहीं होता, क्योंकि वो सब कैमरे में जाके कैमरा को खराब करता है, पर ये सब आपको ये आईपी क्लीनर ये सब कैमरा खराब नहीं करता, प्लास्टिक बन भी खराब कर सकता है, तो प्लास्टिक बन का भी यूज मोबाइल में नहीं कीजिए। अब इसको मैं सूखने के लिए कुछ देर छोड़ दीजिए, जब ये पूरी तरह सूख जाए, ठीक है, अच्छे से इसको धूप में सुखा दीजिए, हॉट एयर गन है तो हॉट एयर गन से सुखा दीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर से आप उसको लगा दीजिए, जैसे ही लगा था वैसे ही लगा दीजिए। उसके बाद आपको
ठीक है, इसको भी आप ऐसे लगा सकते हैं, इसको लगाने के लिए ध्यान रहिए जो है ये पोर्शन जो है आपको इस साइड होगा, जैसे आप निकालें आप वैसे भी लगा सकते हैं, उल्टा भी लगा दीजिएगा तो काम भले नहीं करेगा लेकिन कुछ खराब भी नहीं करेगा, फिर इसको सीधा लगा सकते हैं निकाल के। सब अच्छे से लग जाने के बाद आप इसको भी अच्छे से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से कनेक्ट होने के बाद ठीक है इंसुलेटर पर रख लीजिए, अब मैं लगा के सप्लाई देता हूँ। वीडियो पूरा जेन्युइन है, कुछ भी फेक नहीं है वीडियो में, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जरूर पूछें। अभी भी आवाज यहाँ से खुले ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी खुला है ठीक है, पूरा काम कर रहा है, ऑफ कर दिया ठीक है। पीसी भी आप गौर से देख सकते हैं, वीडियो रोक के पुराना भी देख लीजिए, किसी तरह का कोई फेक वीडियो नहीं है, बस मैंने अच्छे से इसको वॉश किया और जो साउंड बहुत कम आ रहा था, दोनों फुल होने के बावजूद भी वो एकदम आसानी से सॉल्व हो गया ठीक है। इसी के चलते अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ये पूरा कार्ड बदल देता है टेक्नीशियन, आपको अच्छी खासी लगभग तीन से साढ़े तीन सौ रुपए भी देने पड़ सकते थे आजकल, क्योंकि आजकल ये थोड़ा महंगा आ रहा है ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।